दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपके पास में सैमसंग F62 है तो आपके फोन में अगर हीटिंग का इशू है या फिर नेटवर्क का इशू है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखना। हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड टू। ये है सैमसंग गैलेक्सी F62 और इससे मैं लगभग 4 से 5 महीने से यूज़ कर रहा हूं, तो फ़ोन मुझे सच में अच्छा लगा, पावरफुल भी है, फास्ट भी है, लेकिन इसमें आपको दो मेन इशू देखने मिलते हैं। एक है नेटवर्क का इशू, पहले से इसमें आपको 4G+ का सपोर्ट नहीं है और सैमसंग ने कहीं इनेबल नहीं कर रहा है। और अगर बात करें हीटिंग इशू की तो ये बहुत ही मेजर यहाँ पे पॉइंट देखने मिलता है। तो बात करें हीटिंग इशू की तो आज इसी के ऊपर पूरा के पूरा वीडियो बनने वाला है। तो जो लोगों ने सैमसंग F62 को बाय किया है उनको अगर हीटिंग का इशू फेस करने मिल रहा है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसको बिल्कुल फॉलो करना, 99% आपको जो हीटिंग का इशू है बिल्कुल सॉल्व होने वाला है, लेकिन आपको ये सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ेंगे। ओके, अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क की, तो देखो भाई कि नेटवर्क के ऊपर तो वीडियो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नेटवर्क का इशू फेस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 4G+ का सपोर्ट भी नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके दे दी है। तो अगर आपके फोन में नेटवर्क का इशू भी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के एंडिंग में आती है एंड स्क्रीन, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना उस वीडियो को, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे रहा हो तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हीटिंग का इशू कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद में आप नेटवर्क के इशू को भी सॉल्व करने वाला वीडियो बाद में देख लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करना। तो बात करें इसके चिपसेट की, तो इसमें को मिलता है एक्सिनोस 9825 का बहुत ही कमाल का पावरफुल और फ्लैगशिप चिपसेट, एक टाइम पे था लेकिन अभी ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है। तो फोन का जो चिपसेट है इसमें लगा हुआ वो सच में पावरफुल तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी टेंशन लेता है। अगर आप इसके ऊपर बहुत हेवी टास्क करोगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालोगे तो ये बहुत जल्दी गर्म होता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोन कोई भी अगर ज़्यादा गर्म होता है, कोई भी चिप बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ पे होती है थर्मल थ्रोटलिंग। अब ये थर्मल थ्रोटलिंग क्या है, सिंपल सा फंडा है, अगर आपका फोन बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो वहाँ पे आपका जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है ना वो यहाँ पे उसको सेंस करेगा कि फोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ऐसे में आपका जो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा कि आपके CPU और GPU की परफॉर्मेंस को 50% डिक्रीज कर देगा, ताकि यहाँ पे आपका फोन कूल डाउन हो जाए, यानी कि वो ज़्यादा हीट ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेगा तो और ज़्यादा हीट होगा, और ऐसे में आपके जो बैटरी है या फिर इंटरनल कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे डैमेज हो सकता है, आपका फोन फट भी सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे इसीलिए थर्मल थ्रोटलिंग की वजह से फोन की परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है। और आप जैसे ही यहाँ पे आप देखो, जैसे आपका फोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गेमिंग के अंदर आपको क्या होता है कि वहाँ पे FPS ड्रॉप होते हैं या फिर फोन लैग करता है, तो वैसे ही यहाँ पे इशू देखने मिलता है। तो ये हीटिंग इशू आपको कब कब देखने मिलता है, जब भी आप चार्जिंग पे लगाओ तो आपको तब भी यहाँ पे ये हीटिंग का इशू देखने मिलता है। आपको यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे चिपसेट होता है, यहाँ पे हीट करता है बहुत ज़्यादा। बहुत बार बहुत से लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट ये भी किया कि इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गेमिंग करोगे लगातार आधा एक घंटा हाई ग्राफिक सेटिंग के ऊपर तो यहाँ पे इसके CPU GPU के ऊपर लोड पड़ता है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। ओके, और तीसरी बात कि अगर आप यहाँ पे अगर 4K रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग का इशू देखने मिल सकता है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेनी पड़ती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे भी, अगर आप बहुत बड़ी फाइल है तो अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, रेंडर करोगे, तो वहाँ पे भी ये फोन थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट करता है और वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने मिलती है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू हीटिंग है। तो आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल से स्टेप से, कुल मिला के 3 स्टेप है और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट नहीं करना, आपको अपने फोन को ऑप्टिमाइज करना है। तो आपको सबसे पहले गैलेक्सी ऐप बूस्टर नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि सैमसंग का ही है बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, लेकिन आपको एफ सीरीज में या फिर एम सीरीज में ये देखने नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको इसकी लिंक दे रहा हूँ। सिंपल से लिंक के ऊपर से इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी ऐप बूस्टर, और आपको इसको डन कर देना है इंस्टॉल करने के बाद में। ये जो ऐप है आपके फोन की होम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको इसे ओपन करना है। तो आपको सिंपल से जाना पड़ेगा फोन के सेटिंग में, आपको देखना पड़ेगा, ऐप्स को ढूंढना पड़ेगा, आपको जाना है ऐप्स के अंदर, आपको यहाँ पे सिंपल से सर्च करना है या फिर आपको स्क्रॉल करने के बाद में ढूंढना है गैलेक्सी ऐप बूस्टर। ओके, और आपको जैसे ही ये मिलता है आपको यहाँ पे इस पर टैप करना है, आपको यहाँ पे बॉटम में नीचे बाजू लेफ्ट साइड में आपको इसको ओपन करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने मिलता है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑप्टिमाइज नाउ, 467 एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके फोन की परफॉर्मेंस लगभग 15% तक यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। आपके फोन में जितने ज्यादा एप्लीकेशन होंगे, जितना डाटा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा समय लेगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको सिंपल से इसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में आराम से बैठ जाना है, आपका फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगी, और उसके बाद में आपके सभी ऐप को जो है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज करेगा, जिसकी जो भी सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर योर फोन कंपैरिजन या फिर DRM सिस्टम, जो भी जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है या फिर जो भी इनबिल्ट ऐप है जो भी आपने डाउनलोड कर रखे, सभी को यहाँ पे ये
बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करेगा। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में क्या होगा कि सबसे पहली बात तो आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लगभग 15% ज़्यादा। अगर आपको इसमें बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा था वो भी यहाँ पे बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। और रही बात यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी सिस्टम की एप्लीकेशन है जो भी है तो वो भी ऑप्टिमाइज होने के बाद में आपके चिपसेट के ऊपर बहुत ही कम लोड पड़ेगा, तो ये फ़ोन बहुत कम हीट होगा। ये जो एप्लीकेशन है आपको सजेस्ट करता है कि आप जब भी अपडेट करो अपने फ़ोन की तो उसके बाद में आप इसको एक बार जो है बूस्ट कर लो, ताकि आपके फ़ोन में जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो बग्स होते हैं जिसकी वजह से फ़ोन हीट होता है या फिर लैग करता है या फिर आपके फ़ोन में जो भी इश्यूज़ आते हैं, तो आप यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में उसे क्लियर कर सकते हो। और आप वीक में से एक बार भी इसे बूस्ट कर सकते हो ताकि आपके फ़ोन की जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो बनी रहे। तो ये जो है ना एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। मैंने अपने सभी सैमसंग के स्मार्टफोन में इसे यूज़ किया है और टेस्ट किया है, ट्राई किया है, बहुत ही यूजफुल है। अब देखो कि अगर आपको इसके और भी अदर मॉडल्स को चेक करना है, जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है गैलेक्सी ऐप बूस्टर, ये गैलेक्सी लैब के सब मॉडल्स के अंदर आता है। इसमें आपको बहुत से और भी एप्लीकेशन देखने मिलते हैं, जैसे कि मेमोरी गार्डियन, थर्मल गार्डियन या फिर बैटरी गार्डियन, ऐसे आपको बहुत सारे और भी ऐप देखने मिलते हैं जो कि आपके फ़ोन के और भी इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि थर्मल थ्रोटलिंग वगैरह या फिर बैटरी के इश्यू वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये कौन कौन से और भी ऐप है तो उनकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लेकिन आपको अगर गैलेक्सी लैब को इंस्टॉल करना है, सभी को यहाँ पे चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गैलेक्सी लैब को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सभी मॉडल्स को आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप वहीं से उन सभी को ओपन कर सको। ओके, लेकिन आपको नहीं पता कि गैलेक्सी लैब कैसे काम करता है तो आपको मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो दे रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल के ऊपर सर्च कर लेना गैलेक्सी लैब करके, या फिर आपको इस वीडियो के एंडिंग में आपको एंड स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख लेना कि गैलेक्सी लैब आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अगली बहुत ही यूजफुल टिप्स है जो कि आपको बहुत ही काम में आएगी आगे चल के भी, तो ये है वाइप कैचे या फिर रिकवरी मोड करके। अब देखो वाइप कैचे क्या होता है कि आपके फ़ोन में आप जो भी ऐप को इंस्टॉल करोगे या फिर आप जो भी डाटा रखोगे तो उसके वजह से क्या होता है, आपके फ़ोन में बहुत सारे जंग जो है वो बैकग्राउंड में यानी कि उसके मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये आपके फ़ोन के सिस्टम को स्लो कर देते हैं और आपके चिपसेट को बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, तो ऐसे में आपको इसे क्लीन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये डिवाइस केयर के थ्रू क्लीन नहीं होते, तो आपको इसको बहुत डीपली क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत ही यूजफुल तरीका है। तो पहले रिकवरी मोड में जो क्लीन कैचे था या फिर क्लीन कैश था वो बहुत ही यूजफुल तरीके से हो रहा था, आपको सिंपल तरीके से क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे वॉल्यूम अप और यहाँ पे पावर की को प्रेस करना पड़ रहा था और यहाँ पे इजीली वो स्टार्ट हो रहा था, यानी कि आपको प्रोसेस करने का यहाँ पे तरीका बिल्कुल आसान था। लेकिन अभी यहाँ पे बन हुआ है 3.0 के बाद में ये चेंज हो चुका है, तो आपको सिंपल से रिकवरी मोड में जाके क्लीन कैचे करना है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है। तो कैसे करना है आपको, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो दे रखी है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया कि भाई कैसे आप इसे कर सकते हो। आपको सिंपल से करना क्या होगा कि आपको जो फ़ोन में क्लीन कैचे करना है उस फ़ोन को लेना है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास में A50 मोबाइल है, इसके मुझे क्लीन कैचे करना है तो इसको मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ओके, ये स्विच ऑफ है। उसके बाद में मुझे और एक स्मार्टफोन लेना पड़ेगा जो कि देखिए ये है सैमसंग F52, तो मुझे क्या करना है कि इसको चालू रखना है। ओके, और इसमें मुझे सिंपल से ये जो टाइप सी केबल है इसमें आपको चार्जिंग में लगाना है, इस तरह से ये फ़ोन चालू रहेगा। ओके, और इसमें से मुझे कनेक्शन करना है इस फ़ोन में। ओके, ये देखिए मैंने और एक केबल लगा दी इसके अंदर। ओके, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे मुझे सिंपल से क्या करना है, लगाने के बाद में तुरंत यहाँ पे पावर की और वॉल्यूम की साथ में प्रेस करना है और यहाँ पे रिकवरी मोड आ जाएगा। ओके, और आपके पास में ऐसे दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल से किसी भी लैपटॉप को या फिर इसके बाद में आप किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को आप लगा सकते हो और यहाँ पे ये कर सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे आपको कैसे करना है मैं अलग से वीडियो दे रखी है, तो उस वीडियो की लिंक भी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के एंडिंग में आपको यहाँ पे सभी वीडियो की मैं जो है एंड स्क्रीन के ऊपर जो है वीडियो लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो तरीका है वो है करना है क्लीन कैचे। ये बहुत ही यूजफुल तरीका है आपके फ़ोन के हीटिंग इशू को सॉल्व करने का। आपके फ़ोन में अगर हीटिंग का इशू है, बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, अगर फ़ोन लैग कर रहा है, कुछ भी इशू आते हैं छोटे मोटे, तो आपको यहाँ पे क्लीन कैचे एक बार जोर से अपने फ़ोन में करना पड़ेगा। आपके फ़ोन का डाटा बिल्कुल लॉस नहीं होता, आपके फ़ोन की वारंटी भी वॉइड नहीं होती, तो आपको कुछ भी डरना नहीं है। मैंने बहुत बार अपने सभी फ़ोन के ऊपर टेस्ट किया है, ट्राई किया है, मैंने सैमसंग F52 हो या फिर A52 हो सभी पर मैंने ट्राई किया है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, मुझे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो सिंपल से आपको जो है दो स्टेप पहले करनी है। एक है यहाँ पे
जो गैलेक्सी लैब का ऐप बूस्टर, उससे आपको अपने फ़ोन को बूस्ट करना है, मैंने आपको बताया कैसे करना है। और दूसरा जो है वो है यहाँ पे क्लीन कैचे का, रिकवरी मोड का। और यहाँ पे ये स्टेप थोड़ी सी लंबी, और आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाना थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा आधे घंटे का, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो दे दिया, उसको देख लेना। सबसे पहले आप गैलेक्सी बूस्टर से अपने फ़ोन को बूस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको क्लीन कैचे करना है। आपके फ़ोन में जो भी इशू है वो लगभग 99% सॉल्व हो जाएगा, हीटिंग का इशू आपके फ़ोन में बिल्कुल नहीं रहेगा। अब दोनों स्टेप करने के बाद में आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको सिंपल से जाना है फ़ोन के सेटिंग में। आपको यहाँ पे बेसिक स्टेप है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर देती है। आपको जाना है यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में। आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में देखने मिलेंगे तीन डॉट, उसको आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ऑटोमेशन, और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो ऑप्टिमाइज डेली, तो आपको इससे इनेबल करना है। अगर आपके फ़ोन में ये डिसेबल होगा तो आपको इसे इनेबल कर लेना है और आपका फ़ोन डेली ऑप्टिमाइज होते रहेगा। अब यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन है जो कि ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम, तो आपको इससे भी यहाँ पे इनेबल करना है। अगर आपके फ़ोन में डिसेबल होगा आपको उसे इनेबल करना है, और आपको ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको ऐसे बार देखने मिलते हैं। नीचे आपको टाइमिंग देखने मिलता है, तो आपको हफ्ते में से दो बार आपको अपने फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट के ऊपर सेट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे जैसे मंडे हो या फिर ट्यूसडे हो या फिर कोई भी, आप यहाँ पे दो यहाँ पे वार ले सकते हो हफ्ते में से, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद में आपको टाइमिंग सेट करना है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपने हिसाब से, और उस टाइम पे आपका फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे इसमें आपको क्या कंडीशन है कि आपका फ़ोन अगर बंद होगा, स्क्रीन ऑफ होगी, और आपका फ़ोन अगर यूज़ नहीं हो रहा होगा, और आपके फ़ोन के अंदर 30% से ऊपर बैटरी होगी, तब ये आपके फ़ोन को जो है ऑटो रिस्टार्ट करेगा, नहीं तो ये ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा। ओके, नहीं तो होता है कई बार कि अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करो, अपना यहाँ पे अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आप बोलेगा भाई कैसे हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। आपका फ़ोन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आपका फ़ोन अगर 30% से ऊपर बैटरी रखता है, तो ऐसे में अपने आप रिस्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि रिस्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में कोई भी इश्यूज़ है, अगर कोई भी ऐप यहाँ पे मिसबिहेव कर रहा है, कोई भी इश्यूज़ आ रहा है हीटिंग से लेकर के, तो ऐसे में क्या होता है कि तो ये वीकली अगर दो बार अगर रिस्टार्ट होता है अपने आप ही, तो इससे क्या होता है कि आपका जो UI है, जो भी सिस्टम सेटिंग है, वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है, और ऐसे में आपके फ़ोन में जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ आने वाले वो बिल्कुल नहीं आते। तो कुल मिलाकर मैंने आपको तीन स्टेप बताई, सबसे पहले थी यहाँ पे गैलेक्सी ऐप बूस्टर की, दूसरी है यहाँ पे क्लीन कैचे की, और तीसरी यहाँ पे मैंने आपको डिवाइस करके बताई, जो कि आपको बिल्कुल करके रखना है ताकि आपके फ़ोन में जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल क्रिएट ना हो। आपके जो लैगिंग का इशू है या फिर स्लो चलने का इशू या फिर हीटिंग का इशू है वो तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग के इशू की, तो वो भी लगभग यहाँ पे 50% सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको अगर फिर भी बैटरी ड्रेनिंग का इशू सॉल्व नहीं होता था, मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा, तो आप इन सभी स्टेप को फॉलो कीजिए, तभी आप मुझे बताइए कि भाई आपके फोन में क्या फर्क पड़ा। और यहाँ पे मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपके फोन को 101% हीटिंग का इशू सॉल्व होने वाला है। और आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर राइट एंड लेफ्ट में कुछ वीडियो देख रहे होंगे, तीन वीडियो मैंने आपको दे रखी है एंड स्क्रीन के ऊपर, एक है यहाँ पे क्लीन कैचे की, एक है गैलेक्सी लैब की, और एक है यहाँ पे नेटवर्क सोल्यूशन की। तो आप इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से देख लीजिए, और आप इन सभी को अप्लाई करने के बाद में आपके बिल्कुल जो भी इशूज है सैमसंग F22 के अंदर वहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो। हीटिंग के लिए मैं आपको बताया कौन कौन से आपको सोल्यूशन करना है, और उसके बाद में आपको नेटवर्क का इशू आता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से मैंने वीडियो दे रखी है। सभी को वॉच कीजिए और अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।